पानी ज्यादा डाल दिया है ना, गुस्सो गुस्सो गुस्सो, ठीक है ना। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आप लोग कैसे हैं? इंडिया का लॉकडाउन पोस्टपोन हो गया ना 3 मई तक। आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए। तो कृपया आप घर में रहिए, ठीक है। और मेरा घर बदल गया एक्चुअली एक्चुअली मेरा प्लान बदल गया। मैं अप्रैल में ऋषिकेश जाने वाली थी, लेकिन ऑफकोर्स नहीं जा सकी। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ अप्रैल। हाँ, और एक्चुअली ये शेयर हाउस है, बहुत ही बड़ा रसोई घर है एक्चुअली ये। हाँ, तो मेरे दोस्त ने एक्चुअली ये इमारत पूरा खरीदा है शेयर हाउस बनाने के लिए, और अब मैं टेम्पररी यहाँ रह रही हूँ। लेकिन अभी तक ये शेयर हाउस पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा गंदा भी है, लेकिन बहुत ही अच्छा घर है। तो हाँ, मैं उत्साहित हूँ। चलो, तो आज मैं समोसा बनाने वाली हूँ। ये भी एक्चुअली ठीक ठाक समोसा बनाना जिंदगी में पहली बार है। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी, तब हम क्लासमेट के साथ एक त्योहार था स्कूल फेस्टिवल, तो वहां पे हमने समोसे बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली ठीक ठाक समोसे नहीं बनाए हम। गोजा जापानी खाना गोजा है, वो इतना मैदा से बनी हुई, क्या कहते हैं इसको, दो जैसी चीज है। ये जापानीज खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके समोसे बनाए हैं। तो पक्का समोसा नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा महंगी प्राइस में बेच रहे थे हम। हाँ, हिंदी सीखने वाले क्लासमेट्स के साथ। एनीवे, तो पहली बार है एक्चुअली ठीक से समोसा बनाना, तो चलो मैं शुरू करूंगी। और मेरे पास आज भी पूरा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, पूरे इंग्रेडिएंट्स मुझे स्किप करना है, लेकिन कोशिश करूंगी अच्छा सा स्वादिष्ट समोसा बनाने की, ठीक है। तो शुरू करें। चलो पहले आलू उबालूंगी। जागाइमो, यहाँ हिरागाना पढ़ते हैं तो अच्छा है। जागाइमो हिरागाना में लिखा है। हाँ, अभी धोना होगा। धोए हुए आलू यहाँ पे डाल के उबालूंगी। तो आलू उबालते हुए दो बनाऊंगी। चलो, ये मैदा है जापानी में को मुगी को कहते हैं, इसको 200 ग्राम डालना है। अभी वो 200 ग्राम स्केल करने का वो चीज नहीं है, मशीन नहीं है, तो लगभग ये 1 kg है, तो 200 ग्राम इतना ही ठीक होगा। और अजवाइन मेरे पास नहीं है। अजवाइन अमेज़न ऑनलाइन पे ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही महंगी थी, लगभग 700 रुपए, विश्वास कर सकते हैं? तो वो भी थोड़ा सा अजवाइन के लिए, इसलिए आज मैं अजवाइन इस्तेमाल नहीं करूंगी, थोड़ा जीरा डालूंगी, पता नहीं कैसा बनेगा। इतना ही डालूंगी, थोड़ा दिखाने के लिए, टेस्ट के लिए नहीं, दिखाने के लिए। और थोड़ा सा नमक, इतना ही ठीक होगा ना। हाँ, अब 4 चम्मच तेल, ये कोलेस्टेरोल जीरो होने वाला तेल होगा जापान में। ये 4 चम्मच, 1, 2, 3, 4। चलो अच्छे से मिलाऊंगी ऐसे। हाफ से करना अच्छा होगा ना, इंडियन खाना हमेशा हाफ से बनाते हैं। चलो ठीक होगा। चलो अब पानी डालूंगी। और एक्चुअली ये नर का पानी है, जापान में नर का पानी पी सकते हैं, इसलिए नर का पानी इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा थोड़ा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के। आजकल बहुत ज्यादा कुकिंग करती हूँ मैं, क्योंकि कुकिंग के अलावा क्या कर सकते हैं घर पे। मुझे लगता है पानी ज्यादा डाल दिया है ना, तो फिर मैदा डालूंगी। ठीक है। हाँ, तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ऐसे ऐसे करके ना बैंग को ठीक करना है। चलो ठीक है, तो अब कैसा है मेरा धो, ठीक है ना।
तो अब इस पे थोड़ा सा तेल लगाकर ज्यादा डाल दिया, इट्स ओके, हाँ कवर करके रखूंगी, कुरु 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 कवर करके रखूंगी। तो अब आलू सब्जियां बनाएंगे। Cheers! चलो पहले जिंजर और गार्लिक को काटूंगी, बहुत ही धूप है। ये अदरक है, जिंजर। जापान में ऐसा छोटा साइज बेचते हैं सब्जियां, क्योंकि बहुत लोग अकेले रहते हैं, तो 1 kg, 2 kg खरीदेंगे तो बहुत मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो अकेले रहने वालों के लिए ऐसे छोटा वाला सब्जियां का पैक बहुत ही कॉमन होता है जापान में। इतना ही ठीक है ना? और कुछ रेसिपीज में प्याज इस्तेमाल करते थे, कुछ में नहीं, तो आज मैं थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है, इसका आधा डालूंगी शायद। ठीक है, आलू तैयार है, अब आलू के स्किन्स निकालूंगी। चलो इतना ही ठीक होगा। चलो अब सब्जियां बनाऊंगी, थोड़ा सा तेल, पहले जिंजर और गार्लिक, अब प्याज, हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि स्पाइसी खाना नहीं खा सकूंगी, और अब मिक्स वेजिटेबल डालेंगे, इसमें कॉर्न और ग्रीन पीस और गाजर। हाँ ये बहुत उपयोगी है, रंग बहुत ही अच्छा है ना। ये मिक्स वेजिटेबल जापान में कॉमन है और ये ऑलरेडी पके हुए हैं, तो थोड़े समय तक ऐसे गरम करूंगी। अब मसाले डालूंगी, हल्दी ज्यादा है, ठीक है ना, और लाल मिर्च यूजुअली थोड़ा डालती हूँ, लेकिन इस बार हरी मिर्च नहीं डालती तो उतना ही डालना तो ठीक होगा। अब मेरी पसंदीदा काजू भी डालूंगी, अब पोटैटो, अब गरम मसाला और जीरे का पाउडर डालना है, लेकिन पाउडर नहीं है तो फिर जीरे थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है। आखिर नमक थोड़ा ट्राई करूंगी, गरम है, अच्छा है लेकिन नमक कम है, बहुत ही स्पाइसी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद चाट मसाला थोड़ा सा, हाँ। चलो समोसा बनाऊंगी, अभी बना रही हूँ बहुत टाइम से, हाँ इसको कितना इतना ही आटा चाहिए ना शायद, बोल बना के थोड़ा पाउडर फ्लावर मैदा लगा के, अब मेरा रोटी का स्किल दिखाना है, मारू किनारे साकू बनाना है ना, अगर नहीं बना सकती तो इंडियन परिवार लोगों से शादी नहीं कर सकूंगी ना। अच्छा
देखिए आज का मतलब समय बदल रहा है, जरूरत नहीं है कि लड़कियां घर पे खाना पकाना। कैसा है, ठीक है ना? आधा काटूंगी इसको, ऐसा है ना? और यहाँ पे पानी डाल के ऐसा चिपकाऊंगी। तो ऐसे हाँ ठीक है, यहाँ पे सब्जियां डालूंगी। उसके बाद क्या है जो, एक मिनट यूट्यूब देखूंगी। इसे हल्का सा प्रेस कर दे भीतर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाए इसे सील करने के लिए। ठीक है ठीक। अब किनारों को पानी, किनारों को पानी। ये देखिए, फिर इसे ये देखिए जहाँ से हमने ये जॉइंट किया है उस हिस्से को पहले ऐसे सील करना शुरू करेंगे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से इसे सील कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा फोल्ड कर दे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे ऐसे करके देख सकते हैं। और ये हमारा समोसा देखता आप फ्राई करना बस। चलो तीन चार बनाने के बाद गरम तेल गरम करके फ्राई करूंगी। हाँ तो इतना मुश्किल नहीं है समोसा। हाँ तो ऐसे करके पानी और थोड़ा सा डाल के, और ज्यादा डाल दिया क्या? चलो गुसो 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 पानी लगा के ठीक। क्या देना मेरा समोसा, बहुत क्या देना। ये चलो लगता है तेल गरम हो गया है। हाँ गरम है। जिंदगी में पहली बार समोसा बना रही हूँ। ओ सुगोई, ओ ये काम से धूम ताना तरन 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 धूम ताना तरन तरन धूम ताना। एक्चुअली वो फेस्टिवल में समोसा बेचते हुए ओम शांति ओम डांस भी कर रहे थे हम। हमारे स्कूल में 25 भाषाएं सीखी जाती थी और डांस हर देशों के डांस कॉम्पिटिशन भी थे। तो हम हिंदी मेजर क्लासमेट्स धूमथाना डांस किया है, लेकिन हम जीत नहीं पाए। टर्किश भाषा सीखने वाले जीत गए और वे लोग बहुत ही सेक्सी कपड़े में वेरी डांस कर रहे थे। साड़ी भी थोड़ी सी सेक्सी है। एक्चुअली जापानीज लोगों के लिए पेट दिखाना थोड़ा सेक्सी होता है, तो थोड़ा सा सेक्सी था लेकिन बेरी डांस में तो जीत नहीं पाए। रंग अच्छा सा, चलो बन गया ये देखो, ठीक है ना? चलो सेकंड बैच भी खत्म हो गया। ये लास्ट बैच है। चलो बन गया समोसे, बहुत ही समोसे बन गए। खा नहीं पाऊंगी इतना ज्यादा एक दिन में। मुझे हरी चटनी बहुत ही पसंद है, लेकिन हरी चटनी जापान में मिलती नहीं है एक तो, और बनाना भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कोरियंडर पक्षी नहीं मिलती है जापान में। लेमन तैयार है तो थोड़ा खट्टा टेस्ट चाहिए तो लेमन डालेंगे, लेकिन अब तो ऐसे ही खाऊंगी। ठीक है, इधर की बात
स्मार्ट। कभी कभी सोचती हूँ मैं बहुत ही जीनियस हूँ, बहुत ही अच्छा है। कहाँ से अभी जी रही हूँ। अच्छा अब और एक मूव। वेरी नाइस। कुकिंग करते समय बस अंदर आलू थोड़ा सा खाया था, ज्यादा स्पाइसी था, लेकिन आप स्किन के साथ खाऊंगी तो बस परफेक्ट रेशियो ऑफ स्पाइस। बाहर बहुत ही क्रिस्पी है, सख्त है, और अंदर बहुत ही सॉफ्ट। नमक भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है। अब मिर्ची लग गई, शायद उसी पोषण में लाल मिर्ची ज्यादा था, फिर भी ठीक है, इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप लोग ये खाएंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं क्योंकि इंडिया में समोसे बहुत ही स्पाइसी होते हैं, तो मैं बहुत ही पसंद करती हूँ समोसा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खा सकती क्योंकि बहुत ही स्पाइसी है और पानी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। अब थोड़ा सा लेमन डाल के खाऊंगी, थोड़ा चेंज टेस्ट बदलना चाहूंगी। और ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन बिना नींबू वाला समोसा अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। गज समोसा दे बहुत ही अच्छा, अभी भी बहुत ही बाकी है एक्चुअली लेकिन फिर भी ठीक है। तो बहुत ही एक्चुअली अच्छा बना है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और शायद इंडिया के तुलने में स्किन थिन था। इंडिया के समोसे मुझे लगता है ज्यादा थिक है, पेट भर जाता है, लेकिन मेरा समोसा जो आज मैंने बनाया है छोटा है एक तो, हाँ, और स्किन इतना मोटा नहीं है, तो शायद दो तीन खा सकूंगी। आज ज्यादा समोसा नहीं खाऊंगी, अभी अभी दो समोसे खाए हैं, तो अब बस इससे ज्यादा नहीं खाऊंगी। तो फिर अगर रात को, मैं तो रात को 2-3 बजे तक उठती हूँ, तो उसी समय भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी, नहीं तो कल खाऊंगी, ठीक है। तो आज का कुकिंग भी बहुत ही मजा आया और बहुत ही अच्छा था, और आप बताइए मेरा कुकिंग में क्या गलत था क्या सही था तो मेरा कुकिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा ना। हाँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। और अगर आप घर में बोर हो रहेंगे तो पता नहीं आप भी कुछ अलग सा खाना, सेम इंग्रेडिएंट्स में कुछ अलग सा खाना भी बनाना ट्राई कर सकते हैं, या कुछ नया सीखना ट्राई कर सकते हैं। आप जापानीज भी चाहें तो मेरे यूट्यूब पे सीख सकते हैं, मेरा दूसरा चैनल है जापानी है सिखानी, तो जापानीज भी सीख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कोशिश करके घर पे कुछ एंजॉय करने का तरीका ढूंढिए, नहीं तो बहुत बोर हो जाएंगे। हाँ, तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय। हाँ, एडिटिंग करने में बहुत ही समय लगता है। वैसे अपने को रोकना सबसे मुश्किल है, किसी को रोकना तो आसान है ना, लेकिन अपने को रोकना, विशेष रूप से खाना खाने से रोकना, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ना। दोस्तों मुझे रोक दो ना, ये आज का 14 समोसा है, मुझे रोक दो प्लीज। इतना कितना